नमस्कार, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप भी बिहार से हैं, आप भी पटना से हैं, बिहार के 3800 डिस्ट्रिक्ट में कहीं से हैं, तो डिजिटल बोर्ड कहां से लेना चाहिए, आपको स्मार्ट क्लास कहां से बनाना चाहिए। देखिए, कई लोग बेच रहे हैं, लेकिन आपको समझेंगे तब तो बेचेंगे, ठीक है। कई लोग तो बेच रहे हैं, कम रुपया में भी दे देंगे, लेकिन सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। लगभग 20 से ज़्यादा डिजिटल बोर्ड कंपनी पटना में बंद हो चुका है, जो कि सर्विस देने के कारण वो भाग गए हैं। इसलिए आपको एक ऐसे जगह से डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए जहाँ से कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, आगे चलकर आपको सपोर्ट मिले। 5000 ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसे जगह से लीजिए जहाँ की सब कुछ अच्छे हो, जिसका रिव्यू बेस्ट हो। रिव्यू को ध्यानपूर्वक देखिए, ऑफिस आके विजिट कीजिए, तब जाके आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं, डिजिटल बोर्ड लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यदि आप भी बिहार में हैं तो बिहार में कहां से आपको लेना चाहिए, पटना में कौन सा कंपनी बेस्ट है, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई वर्षों से हर एक चीज़ प्रोवाइड करते आ रहे हैं टीचर्स के फील्ड में। जैसे सपोज दैट आपको क्या चाहिए, एक स्मार्ट क्लास सेटअप, मतलब डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग सेटअप, माइक, पीसी, हम लोग टीचर्स को सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड से सिर्फ आप वीडियो बना सकते हैं, वीडियो अपलोड कहाँ पे होगा, तो ऐप पे होगा, तो हम लोग टीचर्स को ऐप बना के देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं। डिजिटल बोर्ड तो कहीं से ले लीजिएगा, लेकिन पढ़ाने के लिए नोट्स चाहिए आपको, बिहार बोर्ड का नोट्स चाहिए। आप सपोज दैट बिहार पुलिस वगैरह कंपिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ाते, तो उसका नोट्स चाहिए, तो हम लोग PDF बना के टीचर्स को देते हैं, PPT बना के देते हैं, जिससे कि बनाने का जरूरत नहीं होगा आपको, आप डिजिटल बोर्ड पे उसी PPT को इजीली पढ़ा सकते हैं। तो मतलब एक ही छत के नीचे क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा कंपनी है जो कि बिहार के टीचर्स का दर्द को समझता है, क्योंकि हम खुद बिहार से हैं और हम आपको समझ रहे हैं, हम लोग भी बिहारी हैं, तो बिहार के दर्द के समझ रहे हैं। टीचर को टेक्निकल कितना, सपोज दैट कोई भी चीज़ टेक्निकली नहीं आता है टीचर्स को समझने के लिए, हर एक चीज़ एक एक करके समझाना पड़ता है। इसलिए कभी भी यदि आप लेते हैं तो ऐसे लोगों से लीजिए जो कि आपको सपोर्ट करे। आप जाने, वो बिहार बोर्ड के पैटर्न के बारे में जानेगा ही नहीं, तो आपको कैसे बताएगा कि कब ग्रो करना चाहिए, कब सेंटअप एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में, कब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या है, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव, क्या सब चीज़ें हैं, वो जानेगा तब तो आपको ग्रो करवाएगा। सब कहेगा सर हमसे लीजिएगा तो हम ग्रो करवा देंगे, कैसे ग्रो करवाइएगा, आप यहाँ के हैं ही नहीं बिहार के, आप दूसरे जगह से आके यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और बिहार के बोलते हैं टीचर्स को हम ग्रो कर देंगे। तो जो बिहार के टीचर्स को हम लोग समझ पा रहे हैं, और दूसरा को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग भी खुद बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, ठीक है, और हर एक चीज़ों के बारे में समझते हैं, ठीक है। इसलिए यदि आपको भी डिजिटल बोर्ड लेना है तो एक ऐसे कंपनी को चूज कीजिए जो कि सबसे बेहतर हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9973725719, इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिए आप लोग क्रिएटर्स माइंड के नाम से, ठीक है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। अपना ऑफिस बिहार के लगभग 2-3 डिस्ट्रिक्ट में है अभी, ठीक है, स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट में है अपना, ठीक है। पहला अपना पटना में ऑफिस है, आप पटना में भी आ सकते हैं। दूसरा अपना पूर्णिया में ऑफिस है, पूर्णिया में भी आप लोग आ सकते हैं। मधेपुरा में ऑफिस है, मधेपुरा में आप लोग आ सकते हैं। और आपका जो है दरभंगा, ठीक है, जो कि मिथिलांचल में है, तो दरभंगा भी आप लोग आ सकते हैं। तो लगभग अपना हर एक जगह ऑफिस है, कहीं भी बिहार में विजिट कर सकते हैं, 3800 डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी है। तो आप बिहार के पटना में आके, पूर्णिया में आके, दरभंगा में आके, क्या मधेपुरा में आके विजिट कर सकते हैं। तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर को, क्रिएटर्स माइंड के नाम से आपको हर एक चीज़ों में हेल्प करेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं किसके बारे में, डिजिटल बोर्ड कंपनी इन पटना। देखिए, सबसे पहला क्या है ना, कंपनी को चूज करने लिए आपको सबसे पहले रिव्यू देखना है, रिव्यू किनका बेस्ट है। अब रिव्यू के बाद दूसरा नंबर में आपको ऑफिस देखना है, ऑफिस किनका बेस्ट है। सपोज द डिजिटल बोर्ड आप ले लिए, कोई एक डिजिटल बोर्ड कंपनी है जिसका नाम एक्स है, जिसका नाम एक्स है। अब कोई कहेगा सर हम तो आपको 1,30,000 में देंगे, कोई कहेगा सर हम 1,20,000 में देंगे, क्या आपको यहाँ से डायरेक्ट ले लेना चाहिए, तो ऐसा गलती नहीं करना, क्या यहाँ से लेना चाहिए, ऐसा गलती नहीं करना। पहले चीज़ों को समझिए, कौन सा कंपनी ऑथेंटिक है, उसके कस्टमर, उसके जो है एम्प्लॉय से जाके मिलिए, उसके ऑफिस में जाइए, क्या ऑफिस है, क्या उनके पास टीम है। सपोज दैट एक लोग डिजिटल बोर्ड बेच रहा है या दो लोग डिजिटल बोर्ड बेच रहा है, अब यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, आप फंस जाइएगा। अब एक लोग दो लोग डिजिटल बोर्ड तो बेच रहा है, तो यहाँ दिक्कत किसको होगा, दिक्कत आपको होगा। अब कॉल कीजिएगा, वो दो लोग बिजी हैं या कुछ अलग काम में लग गए, तो जिसका काम ही है टीचर्स को हेल्प करना, क्रिएटर्स माइंड कंपनी, तो उस टाइप से कंपनी से लीजिए जहाँ की आपको आगे चलकर सपोर्ट मिले, आगे चलकर सर्विस मिले। ऐसा नहीं जो दूसरे जगह ले लिए और उसका काम अभी कुछ भी नहीं है, तो 10,00,000 उनके पास रुपया है, डिजिटल बोर्ड कंपनी खोल के बैठा हुआ है, फिर मार्केट में आज ना कल बंद तो करेगा ही। तो ऐसे लोगों से लीजिए जो आपको सर्विस दे सके, सपोर्ट दे सके, ठीक है।
10,000-5,000 का ये नहीं है मान्यता, उतना नहीं है। यदि आप लोग अच्छे तरीके से लेते हैं, अच्छे ऑफिस को चूज कर, अच्छे कंपनी को चूज करते हैं, तो 10,000 आपको तुरंत हो जाएगा। अब देखिए ना, बहुत सारा हमें टीचर्स कॉल करते हैं, सर देखिए डिजिटल बोर्ड तो ले लिया, आपका वीडियो देखे थे, मन था आपसे ले लेकिन नहीं लिए, दूसरा से ले लिए कम रुपया में दे रहा था आपसे, सर ले लिए वहाँ पे, दिक्कत देखिए ना अभी तक लगाने नहीं आया है, सर लगा के चल गए हमको सिखेवे नहीं किया है कैसे चलाना है वीडियो, कैसे डिजिटल बोर्ड चलाना है, इतना जो फीचर्स आप लोग देख रहे हैं कोई सिखाता है, खाली आ जाता है लगा के, ठीक है। हम लोग के पास प्रॉपर टीम है, प्रॉपर गाइड करते हैं हम लोग टीचर्स को, ठीक है, आपको दे देगा, आप कॉल कीजिएगा कॉल नहीं उठाता। कितना आदमी तो ऑफिस में आ रहे हैं हमारे क्रिएटर्स माइंड पटना ब्रांच में, सर देखिए ना ऑफिस में आ रहा है कितना आदमी, डिजिटल बोर्ड लिए थे अभी कॉल नहीं उठा रहा है, तो यही चीज़ है, ऐसा जगह से दीजिए जहाँ की आपको सर्विस अच्छा मिले। अब देखिए आप भी परेशान रहिएगा, आप भी परेशान रहिएगा उस चीज़ को लेकर, सर डिजिटल बोर्ड तो हम ले लिए हैं, ठीक है, अब सर्विस तो मिलवे करेगा, 4-5 हज़ार हमको कम में भी हो गया आपसे, लेकिन अब वहाँ कॉल ही नहीं उठा रहा, आप परेशान रहिएगा। अब हम कहेंगे सर हमको 5,000 दीजिए तब हम करेंगे, एक बार का हम 5,000 लेंगे, पैसा तो आप ही का लगा ना, समय भी बर्बाद हुआ सब कुछ, इसलिए सही जगह का चूज कीजिए जो कि आपके लिए बेहतर हो। ऐसा नहीं बोल रहे हैं क्रिएटर्स माइंड, क्रिएटर्स माइंड ही क्यों, सब कुछ चूज कर सकते हैं, हाँ आप अपने माइंड से सोचिए फ्रेश होकर, इसलिए ठीक है। तो पहला रिव्यू देखिए, दूसरा ऑफिस देखिए, तीसरा टीम अच्छा रहना चाहिए, जब तक टीम नहीं रहेगा तब तक आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे वो लोग, सर्विस नहीं दे पाएंगे, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है डिजिटल बोर्ड कंपनी इन पटना। उसके बाद देखिए, इतना होने के बाद चौथा प्राइस पे भी जाइए, ऐसा नहीं जो सब कुछ बढ़िया है तो प्राइस इतना मांग ले जो दे ही नहीं पाए, प्राइस भी रहना चाहिए, ठीक ठाक प्राइस रहना चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ होना चाहिए, तो ये सब चीज़ों को देखिए तब जाके समझिए, और एक बार ऑफिस ज़रूर विजिट कीजिए। इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं आपको, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कीजिए 9973725719, आपको सब कुछ अच्छे तरीके से बताया जाएगा, आप लीजिए कहीं से एक बार जरूर, क्रिएटर्स माइंड पटना ब्रांच विजिट कीजिए, पूर्णिया ब्रांच विजिट कीजिए, मधेपुरा, ठीक है, दरभंगा, ये सब जगह विजिट कीजिए, तब आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कैसे क्या है, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम गंधर्व वत्स है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।